चार राशियों के राशिफल की। मेष राशि, परिवार में शांति और सुख का वातावरण, ग्रहों का अद्भुत संयोग बन रहा है। दफ्तर में कामकाज से भी आपको संतोष प्राप्त होगा, संतुष्टि प्राप्त होगी। लगेगा कि नहीं, जीवन में कुछ विकास, कुछ डेवलपमेंट चल रहा है। लेकिन शारीरिक रोग भी आ सकते हैं, हड्डियों से संबंधित तकलीफ, कष्ट, शारीरिक कष्ट, सिर में भारीपन होना। भगवान का नाम लीजिए, शनि का दान कीजिए, सूर्य भगवान की पूजा कीजिए, शारीरिक कष्ट में आपको राहत मिलेगी। वृषभ राशि, वृषभ राशि, संतानों के बारे में आप समाचार लीजिए, संतान के बारे में जानने की चेष्टा कीजिए, क्या कर रहे हैं, क्या अध्ययन कर रहे हैं, क्या डेवलपमेंट चल रहा है। और ऑफिस में जाइए, अपने बॉस से मिल करके अपनी समस्याओं को, बहुत सी बार हम अपनी समस्याओं को बतलाते नहीं हैं और हम परेशानी में, एक प्रेशर में काम करते रहते हैं। आप आज दिन अच्छा है, आज जा करके अपने विषय, अपनी परेशानी को बतलाइए, निश्चय ही आपको उनसे लाभ मिलेगा। अब व्यायाम जरूर कीजिए, एक्सरसाइज को नियमित कर दीजिए, थोड़ा योग कीजिए, ध्यान कीजिए, मनन कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, ताकि आपके जीवन में मजबूती आए। मिथुन राशि, मिथुन राशि के ग्रहों का संयोग, आज लापरवाही से पारिवारिक समस्याएं आ सकती हैं। कोई ऐसी गलती मत कीजिएगा कि परिवार में छोटी सी समस्या आए और फिर वहां पर विवाद का कारण बने। आज धन लाभ का अद्भुत संयोग बन रहा है, कहीं ना कहीं से धन लाभ होगा, रुके हुए काम बनेंगे, रुके हुए धन की प्राप्ति हो सकती है, लाभांश आपको जरूर प्राप्त होगा। कर्क राशि, पति पत्नी में अच्छा संवाद रहेगा। बहुत दिनों से जो एक तनाव की परिस्थिति चल रही है, तो पति पत्नी में एक अच्छा तनाव सामंजस्य स्थापित होगा, प्रेम और स्नेह का वातावरण बनेगा, समस्याओं का निराकरण होगा, आत्मविश्वास आएगा। लेकिन आप ध्यान दीजिए, जो ग्रहों के संयोग हैं, थोड़ा शारीरिक कष्ट और वेदना भी दे सकते हैं, नेगेटिविटी आ सकती है, सिर में भारीपन हो सकता है। लेकिन एक अच्छी खबर है तो कुछ बुरी खबर भी है, नौकरी में भी आपको जो है नुकसान हो सकता है, लेकिन शाम के समय यदि संयम और धैर्य बनाए रखेंगे और दिमाग से काम करेंगे तो कहीं ना कहीं से धन लाभ के भी संयोग आपके लिए बनेंगे। अब जरा ध्यान दीजिएगा, जो लक्षण बताने जा रहा हूं वो आपके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। गुरु चांडाल योग होगा तो व्यक्ति के संदिग्ध चरित्र वाला भी होगा, व्यक्ति के चरित्र में कुछ इस तरीके के लक्षण मिलेंगे। ऐसा व्यक्ति न केवल अनैतिक संबंधों में रुचि लेता है, बल्कि हर सच्चे झूठे कार्य करके धन भी अर्जित करता है। उसे कोई भी गलत कार्य करने में भय नहीं लगता है। ऐसा व्यक्ति धर्म को ज्यादा महत्व नहीं देता है और धर्म को मानता भी है, तो गलत कार्य से डरता भी नहीं है। लेकिन गुरु यदि बलवान है तो व्यक्ति धनवान भी होता है, लेकिन यह पैसों का बुरी तरह अपव्यय भी करता है, एडिक्शन में, नाच गाने में, अपने शौक में, अपने लग्जरी में। यदि गुरु कमजोर हो तो जातक नशे का आदि हो जाता है, उसे एडिक्शन हो जाएगा। ऐसे व्यक्ति के अपने परिवार से भी नहीं बनता है, वहां भी विवाद होगा, कष्ट होगा, परेशानी होगी, संघर्ष होगा। और गुरु के बलवान होने पर जातक लेखन में, धर्म में, कार्य क्षेत्र में, क्रिएटिविटी में, ज्ञान में प्रसिद्धि प्राप्त करेगा। लेकिन केतु के भी बलवान होने पर व्यक्ति गलत कर्मों में लग जाता है, और गुरु कमजोर हो तो व्यक्ति पारिवारिक कार्यों में रुचि नहीं लेता है, मतलब वो परिवार की जिम्मेदारी को निभाता नहीं है। सुख शांति का अभाव होता है, परिवार में क्लेश होता है, मानसिक रूप से कष्ट वहां पर बना रहता है, सभी लोग दुखी रहते हैं। तो एक गुरु चांडाल योग का व्यक्ति कितना नकारात्मक प्रभाव परिवार में छोड़ता है, कितनी नेगेटिविटी वहां पर आती है। लेकिन केतु के बुरे लक्षण तो मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन साथ ही साथ उपाय भी कर लीजिए। गुरु चांडाल योग, गुरु केतु का उपाय भी कीजिए। अपनी राशि के हिसाब से जो मेष राशि वाले गुरु चांडाल योग के अशुभ प्रभाव में कैसे कम करेंगे, कैसे अशुभ प्रभाव कम होगा, और बृहस्पति के शुभ फलों में वृद्धि के लिए भगवान श्री नारायण की पूजा कीजिए, और श्री सूक्त का पाठ, आपके कर्ज की स्थिति, धन वैभव में रुकावट, श्री वृद्धि में रुकावट, मान सम्मान में रुकावट, ये सब ठीक होगा। ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम शह गुरुवे नमः, ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम शह गुरुवे नमः। 108 बार इस मंत्र का जाप करें, मंगलमय होगा। अब वृषभ राशि वाले
पंचमुखी रुद्राक्ष धारण करें और महामृत्युंजय मंत्र का जाप 108 बार करें। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीमामृतात्। मिथुन वाले गुरु चांडालियों का प्रभाव कम करना चाहते हैं तो उन्हें विष्णु के अवतार भगवान श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। ओम क्लीम कृष्णाय नमः। श्री सूक्त का पाठ भी कर सकते हैं, उनके लिए भाग्योदय का मार्ग प्रशस्त होगा। आपको किसी कार्यक्रम में श्री सूक्त की महिमा भी बताएंगे, श्री सूक्त का क्या महत्व है। कर्क राशि वालों को गुरु चांडाली योग परेशान कर रहा है, उन्हें गीता या रामायण का पाठ करने से ये शक्ति मिलेगी, जीवन में परिवर्तन होगा, भाग्योदय होगा और निश्चय ही शुभ फल की प्राप्ति होगी। आइए अब बात करेंगे आपके भाग्य फल के लिए अगली चार राशियों की। सिंह राशि, परिवार के विकास पर ध्यान दीजिए। बहुत सी बार हम परिवार की उपेक्षा करते हैं, अपने कार्य में व्यस्त हैं, ध्यान दीजिए क्योंकि परिवार पहले है तभी हमारा जीवन सुखी रहेगा। मान सम्मान में वृद्धि होने वाली है, निवेश से लाभ मिलेगा, कहीं भी किया गया इन्वेस्टमेंट आपके लिए मंगलमय होगा। कन्या राशि, देखिए ग्रहों का जो अद्भुत संयोग है, कोई ऐसा काम ना करे जिससे आपकी मान प्रतिष्ठा प्रभावित हो, धूमिल हो। बहुत धैर्य पूर्वक आपको बहुत से निर्णय लेने होंगे। आज धन हानि का भी योग बन रहा है, धन हानि से बचे, कोई निवेश ना करे, किसी को उधार ना दे और कोई ऐसा कार्य जल्दबाजी में ना करे जिससे आपको धन हानि हो। तुला राशि, माता पिता की सेवा कीजिए, उनका आशीर्वाद दीजिए। माता पिता के अंदर समस्त तीर्थों का वास होता है, जब वो भाव विभोर हो करके आपको आशीर्वाद देते हैं तो आपके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। संतानों का भी ध्यान दीजिए, संतान क्या कर रहे हैं, क्या डेवलपमेंट चल रहा है। अब व्यापार में नुकसान के संकेत हैं, व्यापार को बहुत संभाल करके आपको करना है, एक गलती बड़ा नुकसान कर सकती है, बहुत धैर्यपूर्वक निर्णय लीजिए। वृश्चिक राशि, ग्रहों का अद्भुत संयोग परिवार में सामंजस्य और शांति की स्थापना करेगा। दफ्तर में किसी से उलझिएगा नहीं, आज कुछ ऐसे विषय आएंगे आपको क्रोध देंगे, इरिटेट करेंगे, प्रवोक करेंगे, लेकिन संयम बनाए रखिए। सेहत पर खास ध्यान देना है, पेट से संबंधित रोग, लाइफस्टाइल डिजीज की संभावना, परेशान हो सकते हैं, थोड़ा धैर्यपूर्वक रहेंगे और भगवान सूर्य का स्मरण करेंगे। ओम घृढ़ी सूर्याय नमः, जल तर्पण करेंगे, निश्चित रूप से आपके शारीरिक कष्ट में आपको लाभ मिलेगा। कुंडली में संतान के घर में अगर गुरु चांडाल योग बन रहा है, संतान के घर में, तो संतान को कष्ट देता है, बच्चों का डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, बच्चे डिमोरलाइज हो जाते हैं, नैतिकता खत्म हो जाती है, पढ़ाई में भी रुकावट आती है, रिजल्ट भी खराब होता है, बच्चों का एक जगह मन ही नहीं लगता है, कंसंट्रेशन लेवल प्रभावित होता है। इसके बाद आता है रोगों का घर, बीमारियों का घर। अब समझ लीजिए, अगर केतु बहुत अशुभ है तो ऐसे रोग हो सकते हैं जिनका इलाज मुश्किल हो, असाध्य विकार, कमर के नीचे के रोग परेशान करते हैं, बहुत सी बीमारियां हैं जो असाध्य विकार के रूप में, स्थायी बीमारी के रूप में बन जाती हैं, पैर दुर्बल हो जाते हैं, शारीरिक कष्ट बढ़ जाता है, क्योंकि पूरे शरीर का भार पैर पे ही तो है और पत्नी के भाव में गुरु चांडाल योग बन गया, प्रलय, बहुत कष्ट, वैवाहिक जीवन को प्रभावित करते हैं, वैवाहिक जीवन सुखी नहीं रहता है। यदि इस योग में केतु बलवान है तो जीवन साथी से तालमेल का अभाव रहेगा, कोई सामंजस्य नहीं, कोई भावनात्मक लगाव नहीं रहेगा। ये बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, कुंडली के आठवें घर से गुरु चांडाल योग जीवन भर में दुर्घटना चोट चपेट का योग बनाता है, आए दिन परेशानी समस्याएं और शारीरिक तकलीफ बनी रहेगी, गिर गिर के चोट लगेगा, बार बार चोट लगती है, इलाज में तो पैसे खर्च होते ही हैं, शरीर भी खराब हो जाता है। केतु बहुत ही अशुभ होता है और कभी कभी वो डिप्रेशन लेवल को बढ़ाता है, एंजाइटी लेवल को बढ़ाता है, अनायास व्यक्ति को घबराहट होगी, बेचैनी होगी, नेगेटिविटी आएगी, आत्मविश्वास में हीनता होगी, काम करने में मन नहीं लगेगा। देखिए आपके राशि के हिसाब से आपको क्या करना चाहिए। अब गुरु चांडाल योग से मुक्ति पाना है तो कुछ तो करना होगा। सिंह राशि वालों के लिए उपाय बताने जा रहा हूँ। सिंह राशि वाले जातक को हल्दी का
प्रयोग ज़्यादा करना होगा। हल्दी की गांठ एक रुमाल के साथ बांध करके रख लीजिए, हल्दी की गांठ को रुमाल में बांध लीजिए, सफ़ेद रंग के रुमाल में, और लक्ष्मी नारायण की पूजा कीजिए, भगवान विष्णु जी लक्ष्मी जी की पूजा करिए और उसे अपने पास हमेशा रखिए। दिन मंगलमय होगा, शुभ होगा। कन्या राशि वाले गुरु चांडाल योग के बुरे असर से अगर बचना चाहते हैं तो उन्हें तुलसी जी की पूजा करनी चाहिए। तुलसी जी के निकट डेली जल तर्पण कीजिए, परिक्रमा कीजिए और वहाँ पर एकाध दीपक जला दीजिए। गुरु ग्रह की ताकत बढ़ेगी और पीला चंदन केसर का तिलक लगाने से भी आपके समग्र प्रकार के ये दोष प्रभावहीन हो जाएंगे, भाग्योदय का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। अब गुरु चांडाल योग का लक्षण दिख रहे हो, अब तुला राशि वाले भी अब समझें तुला राशि के हिसाब से उन्हें क्या करना है। विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र का पाठ करना है। विष्णु भगवान का सहस्रनाम स्तोत्र पाठ करने से न केवल गुरु चांडाल योग का प्रभाव क्षीण होगा बल्कि मनोकामना भी पूर्ण होगी। देखिए, आपको झूठ नहीं बोलना है, सत्य वचन बोलना है, धैर्य रखना है और लगे कि झूठ बोलना ही पड़ेगा, शांत हो जाइए, लेकिन झूठ कम से कम बोलिए, ना बोलिए। गुरु चांडाल योग वृश्चिक राशि वालों के लिए विशेष कष्ट देते हैं। केतु की पीड़ा से बचने के लिए आपको ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः 108 बार आपको जाप करना होगा, इससे आपको शारीरिक कष्ट से मुक्ति मिलेगी। यदि देवी भक्त है तो देवी कवच पाठ करना चाहिए, दुर्गा सप्तशती में देवी कवच पाठ है, आप उसका नित्य स्मरण कीजिए, पाठ कीजिए और आपको शांति मिलेगी और गुरु चांडाल योग का प्रभाव क्षीण होगा। अब बात करेंगे अगली चार राशियों की। धनु राशि, परिवार में सुख शांति का वातावरण। देखिए, ग्रहों का जो संयोग बन रहा है परिवार में कुछ मांगलिक प्रभाव पड़ेगा, बहुत भावनात्मक रिलेशन फिर से स्थापित होगा, लगेगा कि पारिवारिक सुख का आनंद ले रहे हैं और प्रयास भी कीजिए। शेयर मार्केट से लाभ होने वाला है, कहीं ना कहीं से शेयर मार्केट से जो इन्वेस्टमेंट किए हैं वो लाभ होने वाला है। अगर दाम बढ़ा है तो आज उसका लाभ उठा लीजिए, प्रतीक्षा मत कीजिएगा। बात करेंगे मकर राशि के जातकों की। माता पिता के साथ बच्चों के स्वास्थ्य पर भी ध्यान दीजिए। बहुत सी बार हम माता पिता के स्वास्थ्य पर ध्यान देते हैं, बच्चों के स्वास्थ्य पर ध्यान देते हैं, दोनों का स्वास्थ्य आज आपके लिए प्रमुख है। और दफ्तर में देखिए कुछ षड्यंत्र हो सकता है, कुछ ईर्ष्यालु लोग आपका नुकसान कर सकते हैं, थोड़ा धैर्य पूर्वक सारे निर्णय लीजिए। अब बहुत ज़्यादा बोलिए मत, अब बहुत अच्छा हो, श्री हनुमान चालीसा का पाठ करके भगवान का आशीर्वाद लीजिए, आपका कष्ट कटेगा। कुंभ राशि, परिवार का मान सम्मान बढ़ेगा, डेवलपमेंट होगा, बच्चों से भी आपको सेटिस्फेक्शन होगा कि बच्चे हमारे अच्छा कर रहे हैं, अच्छा पढ़ रहे हैं, उनके अंदर अच्छा डेवलपमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट बहुत बढ़िया हो रहा है। साथ ही साथ परोपकार कीजिए, दान पुण्य कीजिए, क्योंकि कुछ अरिष्ट है, दान से पापक्षय होता है। मीन राशि, माता पिता से आशीर्वाद लेना बहुत ही कल्याणकारी होता है, किसी किसी दिन तो विशेष रूप से आशीर्वाद लेना पड़ता है, आज आशीर्वाद लीजिए। और धन का निवेश बिल्कुल मत कीजिएगा, धन के निवेश करने वाले अगर आपको सलाह दें तो उनसे दूर हो जाइए, शारीरिक कष्ट होगा, पेट में दर्द होगा, शिरोवेदना होगी, सिर में भारीपन रहेगा। बहुत अच्छा हो, हल्का भोजन लीजिए, विश्राम कीजिए, भगवान का नाम लीजिए ताकि दिन मंगलमय हो।